from our Java application to connect to the Access database. It is a third-party driver which is not available, which is not a part of JDBC or standard Java installation kit. So हमें इसे डाउनलोड करना पड़ता है. डाउनलोड करने के बाद जो zip फाइल मतलब कि हम डाउनलोड करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो जार फाइल्स आती है, 5 जार फाइल्स मैंने बताया था कि 5 जार फाइल्स वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगी, उनको हमें कहीं पे सेव करके उनके पाथ अपने एनवायरमेंट वेरिएबल क्लास पाथ में स्टोर करने होते हैं. फिर हम अपनी एप्लीकेशन से उसका यूज़ करते हैं. तो जब कंपाइल करेंगे अपने जावा प्रोग्राम को जिसमें हमने यू कैन एक्सेस ड्राइवर का यूज़ किया है, तो कंपाइलर को वो तुरंत मिल जाएगा अगर हमने क्लास पाथ में उन जार फाइल्स का एड्रेस स्टोर किया है. तो अदरवाइज क्या होगा कि आपने जार फाइल्स को डाउनलोड कर लिया, यू कैन एक्सेस ड्राइवर की जो 5 जार फाइल्स है उनको आपने डाउनलोड करके अपने पीसी में कहीं पे स्टोर कर दिया है, लेकिन विंडोज को पता होगा केवल विंडोज को ही कि वो वहां पे रखा है आपने. आपके पीसी में कोई भी दूसरा प्रोग्राम उस तक पहुंच पाए इसके हेतु से आपको उसे किसी ऐसी जगह पे उसका एड्रेस लिखना होता है कि जो सबको मिल जाए. मतलब क्लास पाथ जो वेरिएबल है ना, वो ऐसा वेरिएबल है कि भाई जब भी कोई प्रोग्राम को किसी क्लास को ढूंढने की आवश्यकता होती है और वो क्लास उसे नहीं मिलता, तो विंडोज में वो क्लास पाथ वेरिएबल में जाके वहां पे जो जो एड्रेस लिखे ना, उन एड्रेस पे जाकर वो ढूंढता है. इसलिए हमने क्लास पाथ में उसका एड्रेस स्टोर किया. अब हम आज बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट होने के स्टेप्स के बारे में. ठीक है, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन. सी, नाउ वी विल डिस्कस द स्टेप्स टू डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर JDBC ड्राइवर्स फॉर माई एसक्यूएल डेटाबेस. सी, when I am talking about JDBC API, okay, remember that when I am telling that I am using the words JDBC API, it means the classes and interfaces which are available as a part of JDK, means the classes and interfaces or the packages which are installed in our PC when we have installed JDK. It means that the पैकेज दैट वी हैव यूज यस्टरडे java.sql. जब मैं बात करता हूँ ऐसी कि भाई JDBC API, ऐसा शब्द मैं यूज करता हूँ उसका मतलब कि जावा में इंटरनली जब हमने JDK इंस्टॉल किया तो जो पैकेजेस हमें साथ में मिले हैं, जो पैकेजेस उसमें बिल्ट इन आए हैं, उसमें से जो पैकेज हमने कल यूज किया java.sql पैकेज और उसके अलग अलग क्लासेस और इंटरफेसेस, कनेक्शन इंटरफेस, रिजल्ट सेट इंटरफेस, फिर स्टेटमेंट, तो ये सभी जो है इंटरफेसेस और क्लासेस, ये सभी कहाँ पे आए हुए हैं, इस पैकेज के अंदर. और इस पैकेज को हम क्या कहेंगे, JDBC API. तो मैंने कल छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, JDBC API इज व्हाट वी विल यूज इन अवर कोड. हम अपने कोड में JDBC API का यूज करेंगे, मतलब कि हमारे कोड में से हमें क्वेरी करने के लिए हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके जरिए हम एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल करेंगे. मीन्स इट इज व्हाट एवर वी राइट इन अवर जावा कोड. ओके, ड्राइवर्स आर द इंटरफेस विच आर बिटवीन दिस JDBC API एंड द अंडरलाइंग डेटाबेस. डेटाबेस और ये API जो कोड हमने यूज किया, दोनों के बीच में ड्राइवर्स रहेंगे. ये API जो है वो बात करेंगे ड्राइवर्स से, और ड्राइवर फिर डेटाबेस समझ सके ऐसी भाषा में कन्वर्ट करके क्वेरी वहां पे भेजेगा. उसी तरह से डेटाबेस जो रिजल्ट भेजेगा वो ड्राइवर्स को भेजेगा, ड्राइवर्स ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहां पे फ्रेंड्स आपको MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए 3 चीजें आपको करनी है. डाउनलोड करना है ड्राइवर्स को, अनजिप करना है फाइल को, मतलब डाउनलोड करोगे जब आप तो आपको जिप फाइल डाउनलोड करनी है. जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद उस जिप फाइल को आपको अनजिप करनी है, तो उसमें से कुछ फाइल्स कुछ फोल्डर्स निकलेंगे. ठीक है, उसमें से जो ड्राइवर है अपना, मतलब कि जार फाइल, उसमें से एक जार फाइल निकलेगी, वो अपना ड्राइवर है. उसका पाथ
सेट करना है उसको किसी अच्छी जगह पे, मतलब कि उसे कुछ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करके, जैसा कि कल मैंने कहा था कि यू कैन एक्सेस को हमने कहाँ पे रखा था, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा फोल्डर के अंदर। उसी तरह से ये जो ड्राइवर की जार फाइल निकलेगी उसको भी हमें इसी ही किसी जगह पे रख के उसका पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। ये तीन चीजें हमें परफॉर्म करनी है अगर हम एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो। सो ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको इस लिंक पे जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जाने के बाद सी ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दिख रहा है, सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सी दैट हियर देर आर टू वर्जन अवेलेबल टू डाउनलोड, वन इज फॉर कंप्रेस्ड आर्चिव, ये जिप आर्चिव जो जिप फाइल है इसे हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब ये जो ड्राइवर्स आप डाउनलोड करोगे तो वो ओरेकल की साइट से होंगे, तो उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। तो अगर उसमें आपका अकाउंट नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, और है तो लॉगिन करके आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। अभी मेरा अकाउंट है सपोज, तो मैं यहाँ पे ओरेकल की साइट में लॉगिन करता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप इन ड्राइवर्स को डाउनलोड कर सकते हो, माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा। लेकिन अगर मैंने पहले भी बताया था, जब जावा इंस्टॉल करना सिखाया था, मतलब बताया था थर्ड सेम फर्स्ट सेम में, तब तो ओरेकल का अकाउंट ना हो तो आप रजिस्टर कर लो, बन जाओ उसमें यूजर। ठीक है, देखो ये अपना जिप फाइल डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं कहाँ पे रखूँगा पता है? इसको मैं कट करके अपने सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में, जहाँ पे मेरा जावा फोल्डर है ना, वहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा। कौन सा वाला? माई एसक्यूएल ड्राइवर्स। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये जिप फाइल को रख दिया। अब इस जिप फाइल को मुझे अनजिप करना है, तो कल मैंने क्या किया था कि विन जिप को मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया था। ठीक है, फिर जब वो ओपन हुआ आई एग्री, और फिर मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया। ठीक है, ओपन पे क्लिक करके मुझे क्या करना है, देखो मुझे ये वाली फाइल अनजिप करनी है, तो मुझे इस पाथ में जाना पड़ेगा, माई एसक्यूएल ड्राइवर्स, ये आ गई जिप फाइल। अब इसको ओपन करेंगे। ठीक है, फिर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा, और ये वाला माई एसक्यूएल ड्राइवर्स एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे वो फोल्डर बन जाएगा, देखा ये फोल्डर बन गया, इसके अंदर ये जार फाइल आ गई अपनी। देखा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, यू नीड एन ओरेकल अकाउंट टू डाउनलोड, इफ यू डोंट हैव यू कैन क्रिएट इट। हाँ ये हमने कर लिया, डाउनलोड द ड्राइवर्स फ्रॉम दी अबव लिंक, द स्टेप्स मेंशन्ड एट बिलो लिंक। देखो यहाँ पे ये दूसरी लिंक जो दी है ना आपको, उसमें समझाया है कि भाई ड्राइवर्स को कैसे डाउनलोड करें। मैंने जो अभी किया ना, मैंने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिलेक्ट किया, फिर मैंने दो फाइल्स अपने को दिखी, उसमें से जिप फाइल को मैंने डाउनलोड किया, वो इस लिंक पे समझाया हुआ है। अब इंस्टॉल करने के लिए देखो, इसको अनजिप करना है, ये फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की उसको अनजिप करने का कहा है, तो देखो हमने अनजिप भी कर लिया, तो ये फोल्डर बन गया। ठीक है ना, 8.0.25। फिर अब ये जो फाइल है ना वो अपनी जार फाइल है। ठीक है, तो हमने भी देखा कि यहाँ पे ये जार फाइल बन गई अपनी, माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा 8.0.25। तो इस फाइल का जो पाथ है ना वो अपने को सेट करना है क्लास पाथ में। तो यहाँ से मैं माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा,
एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा, फिर एनवायरमेंट वेरिएबल्स में क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लास पाथ है उसको एडिट करूंगा, लास्ट में जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है कि इस जार फाइल का पूरा पाथ, तो यहाँ से एड्रेस बार में उसका पेरेंट पाथ है तो वहां पर मैं स्लैश करूंगा, फिर ये जो जार फाइल है ना उसको सिलेक्ट करके पूरा पाथ यहाँ से कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, और फिर उसे कहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा वापस एक सेमी कॉलन। ओके ओके ओके। अगर ये सब आप कर रहे हो, मतलब कि पाथ सेट कर रहे हो, तब आपका कमांड विंडो अगर ओपन है तो कृपया उसे क्लोज कर दीजिएगा और वापस उसे ओपन कीजिएगा, तभी इसकी इफेक्ट उसको दिखाई देगी। अदरवाइज क्या होता है कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया, फिर आप जो भी पाथ सेट करते हो वो पाथ उसको मिलेंगे नहीं। जो कमांड प्रॉम्प्ट को जब आपने कमांड विंडो को जब ओपन किया तो जब जितने पाथ सेट हुए थे उसके पहले उन्हीं को वो पहचान सकता है, उसका ही उसे पता होगा इसलिए। ठीक है, ये पाथ सेट कर लिया फ्रेंड्स हमने, उसके बाद नाउ यू आर रेडी टू राइट योर प्रोग्राम। वाह बढ़िया है, चलो लिखते हैं छोटा सा प्रोग्राम। हाँ चलो कनेक्ट तो नहीं कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, लोडिंग MySQL ड्राइवर्स। ठीक है, इसमें तो इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। कल हमने यहाँ पे एक छोटा सा DB डेमो क्लास 1 ऐसा हमने एक प्रोग्राम बनाया था ना, तो उसी के मुताबिक दूसरे प्रोग्राम का नाम हम रखेंगे यहाँ पे DB डेमो क्लास 1 है ना, उसी को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कल वाला प्रोग्राम अब यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ कोड मेरा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 7 स्टेप्स जो हमने लिखे थे। यहाँ पे क्लास का नाम क्या कर दूंगा, DB डेमो क्लास 2। ठीक है, अगर आपको ये कॉपी पेस्ट किया उसमें अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं दोबारा कोड लिखूंगा। अभी देखो ये अपना क्लास DB डेमो क्लास 2 और ये अपनी मेन मेथड। अब हमें केवल ड्राइवर्स को लोड करना है, मतलब कि JVM में उसको बुलाना है, बट वो ड्राइवर्स होने चाहिए, दूसरी बात वो मिलने चाहिए। अगर मैंने उसका क्लास पाथ सेट नहीं किया है तो वो ड्राइवर्स मिलेंगे नहीं। तो हमने जैसे कि यहाँ पे क्लास पाथ सेट कर लिया है तो अब हम जब ड्राइवर्स को लोड करेंगे तो वो मिल जाएंगे, JVM को मिलेंगे। JVM पहले कहाँ पे ढूंढेगा, ये प्रोग्राम का जो पाथ है ना, ये क्लास जहाँ पे है वहां पे वो ढूंढेगा। फिर अगर उसे वो नहीं मिला तो वो विंडोज के उस क्लास पाथ वेरिएबल में जाके ढूंढेगा, वहां पे जो लोकेशन हमने दिए हुए हैं उन हर जगह पे वो ढूंढेगा, और जहां पे उसको मिलेगा वो उसको बुला के लोड कर देगा, चल भाई तेरी जरूरत है। तो क्लास को लोड करने के लिए क्लास की मेथड है फॉर नेम, कि जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो हमें उसको ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ता है। तो क्लास सी कैपिटल डॉट फॉर नेम, ठीक है, और यहाँ पे हमें फुल्ली क्वालिफाइड नेम लिखना है उस क्लास का, कि जो MySQL ड्राइवर का है, कौन सा है, देखो com.mysql.cj.jdbc.driver, ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम है उस क्लास का। ठीक है, और फिर अगर ये लाइन सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हम नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करेंगे ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन, मतलब कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरली यहां पे तो होगी, बट हमने ये पेरेंट क्लास लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एरर जो भी है यहाँ पे e.toString। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे, क्या करेंगे, कंपाइल, और
कंपाइल करने के लिए हम जाएंगे कमांड विंडो में। इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी डी ड्राइव सी डी सीवीआर स्लैश जेडब्ल्यूटी स्लैश प्रैक्टिकल 2021 जावा सी डी बी। इस फाइल को अभी तक सेव नहीं किया है, डी ड्राइव में हमें शेयर करना है, इसको सेव करना है डी ड्राइव में सीवीआर में जेडब्ल्यूटी प्रैक्टिकल 2021 डीबी डेमो क्लास 2 जावा। ठीक है, अब इसको डीबी डेमो क्लास 2 डॉट जावा मैं कंपाइल करता हूँ। ये कंपाइल हो गया, ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन भी हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, आ जाएगा, आप समझ सकते हो। लेकिन देखो, मैंने आपको बताया था कि ये ड्राइवर जो है ना वो डिफॉल्ट है, तो मतलब कि अब जावा मतलब कि इन ड्राइवर्स को डाउनलोड करके मतलब जेवीएम में लोड कर देता है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो कनेक्टिविटी का कोड है ना वो लिखेंगे, लोड करने का कोड निकाल देते हैं, उसे कमेंट दे देंगे हम। हाँ, इस लाइन को मैं कमेंट दे देता हूँ। ये लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम मैन्युअली ड्राइवर्स को लोड कर रहे हैं, इसे मैं कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, और जो कोड अभी हमने लिखा ये वाला, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम कनेक्शन यूआरएल डिफाइन करते हैं, जिस डेटाबेस से कनेक्ट होना है वो। तो अब डेटाबेस जिससे हम कनेक्ट होने जा रहे हैं वो तो ZAMP मतलब MySQL का डेटाबेस है, तो हमें ZAMP सर्विस स्टार्ट करनी होगी। तो ZAMP कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे MySQL स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, और फिर अच्छा कोई नया डेटाबेस नहीं बनाना अभी, टेस्ट नाम का एक डेटाबेस उसमें होता ही है, टेस्ट नाम का डेटाबेस ZAMP में बिल्ट इन आता है, तो उसी से कनेक्ट होने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अभी कोई नया डेटाबेस नहीं बनाना है। हाँ, हमने सर्विस को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सर्विस को मतलब कि डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे तो ही उससे कनेक्टिविटी हो पाएगी, अदरवाइज कनेक्टिविटी करने के लिए दूसरे छोर पे डेटाबेस स्टार्ट तो होना चाहिए ना। इसको हम स्टार्ट नहीं करेंगे, सपोज कि मैं स्टॉप कर देता हूँ चलो डेटाबेस को। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखो, ये पूरा जो यूआरएल है ना वो डिफॉल्ट डेटाबेस का है, तो यहाँ पे ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली, फिर स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू यहाँ पे जेडीबीसी कॉलन या माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट या, ये पूरा आपका यूआरएल बनता है डेटाबेस से कनेक्ट होने का। ठीक है, पोर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3306 पोर्ट है। अब हम कनेक्शन मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। देखो, ये तो पूरा स्टेप वन था, हमारे थियोरिटिकल स्टेप्स की हम बात करें तो ये क्लास डॉट फॉर नेम लॉट डी जेडीबीसी ड्राइवर्स, वो ये स्टेप था, और फिर डिफाइन दी कनेक्शन यूआरएल, इसको स्टेप टू कहेंगे, डिफाइन किया यूआरएल को। अब स्टेप थ्री, जिसमें हम करते हैं कनेक्शन क्रिएट। ठीक है, कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और वहां पे अपने को पास करना है यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल तो हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, स्ट्रिंग वेरिएबल में यूआरएल, वो यहाँ पे पास कर देंगे। फिर यूजर नेम रूट और पासवर्ड एम्प्टी है उसका, जो डिफॉल्ट यूजर आता है ना, हाँ उसकी बात हम कर रहे हैं, हम वही यूजर से हम डेटाबेस में कनेक्ट होंगे। अब अगर ये लाइन सक्सेसफुली रन हो जाती है, यहाँ से कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होती,
तो उसके बाद हम जो लाइन लिखेंगे वो लाइन रन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का जो कोड है उसके बाद की लाइन में हम लिखते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अभी मैं इस लाइन को भी कमेंट देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी जब हम रन करने जाएंगे तो एक एरर जनरेट होने वाली है, बट कमांड विंडो वापस क्लोज हो गया। As I told you that right now the service, my SQL database is stopped. Okay, it is not in on mode. Now let us check our code by compiling it. CMD G drive. We compile the file. The name of the file is dbdemoclass2.java. dbdemoclass2.java. Java C file not found. dbdemoclass2.java. Practical dbdemoclass2. अलग बात कर रखा है मैंने, अब इसको कंपाइल करते हैं तो ये फाइल मिलेगी कनेक्शन। हाँ देखो ये एक गलती कर गए ना यहाँ पे, अब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो कनेक्शन इंटरफेस का यूज़ यहाँ पे किया है तो उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। इंपोर्ट जावा डॉट एस क्यू एल डॉट एस्टरिस्क, ठीक है। अब हम इसको अगेन कंपाइल करेंगे। कंपाइल अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो हम इसको रन करने का प्रयत्न करेंगे। अब रन करने का प्रयत्न करेंगे तो हाँ, नॉट सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस, ड्राइवर नहीं मिल रहे ना, ये पीसी चेंज हो गया, ये पीसी चेंज हो गया, तो यहाँ पे मुझे वो ड्राइवर्स दोबारा डाउनलोड करके उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। इस पीसी में वो ड्राइवर्स नहीं है।
जब मुझे डेमो देना होता है तो मैं एग्जाम रूम के सिस्टम से ही डेमो लेता हूँ। ये कल से यहाँ पे क्लासरूम में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, इसलिए इसको हम सी ड्राइव में ही सेव करते डायरेक्टली जावा फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर माय अब इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इसका जो पाथ है वो मैं कंप्यूटर में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में क्लास पाथ में स्टोर करेंगे। अब जैसा कि हमने ड्यूरिंग ये कमांड विंडो ओपन था तब ये पाथ सेट किया है तो उसको मिलेगा नहीं। तो हमें यहाँ से कमांड विंडो बंद करके उसको दोबारा लोड करना होगा। जी सी डी चिराग सेम टू स्लैश जे डब्ल्यू बी स्लैश 2021 जे डब्ल्यू बी सेम टू 2021 जे डब्ल्यू बी सी। अभी जो एक्सेप्शन आई ना वो अलग है। देखो इसमें क्या कहा गया है, कम्युनिकेशन एक्सेप्शन, कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, द लास्ट पैकेट सेंड सक्सेसफुली टू द सर्वर वाज 0 मिलीसेकंड्स अगो, द ड्राइवर हैज नॉट रिसीव्ड एनी पैकेट फ्रॉम दिस सर्वर बिकॉज द सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली द सर्वर इज नॉट स्टार्टेड येट, सर्वर चालू है ही नहीं तो वो कैसे रिस्पॉन्स देगा। Okay, so we need to start the server. Once the server is started, it can respond to the request. Now let us run this program. Connection established successfully. Hello? Anybody want to ask anything? Okay, now see friends, यहाँ पे हमने क्या किया देखो, हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया माई एस क्यू एल सर्वर को, तो माई एस क्यू एल सर्वर की जो अपना डेटाबेस सर्वर है उसमें एक डेटाबेस ऑलरेडी बिल्ट इन होता है टेस्ट नाम का। तो हमने यहाँ से अपने प्रोग्राम से डायरेक्टली देखो ड्राइवर को लोड हमने किया ही नहीं है, मैन्युअली हमने लोड नहीं किया ड्राइवर को, इस लाइन को मैंने रन ही नहीं करवाया है, मैंने केवल इसको कंपाइल करके फिर छोड़ दिया था, रन नहीं करवाया था। मैं डायरेक्टली कनेक्ट होने जा रहा हूँ डेटाबेस से, कौन से डेटाबेस से, लोकल होस्ट में टेस्ट डेटाबेस से, टेस्ट डेटाबेस वहां पे है। ओके,
यहाँ पे देखो वो रन हो गया और ये लाइन आउटपुट में आ गई, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर जो है ना वो अपने आप लोड हो गए, ड्राइवर ऑटोमेटिकली जेवीएम ने लोड कर लिए। ये जो नए नए वर्जन है ना जेडीके के, वो ड्राइवर को लोड कर लेते हैं, हमें मैन्युअली उसको लोड करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये वालों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेप वन है ना वो अभी हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी अगर लिखे तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते उसको। अब सपोज कि हम डेटाबेस का नाम लिखने में अगर गलती करते हैं, सपोज कि यहाँ पे टीएसटी लिख देता हूँ मैं, तो अब इसको जब कंपाइल करूँगा और फिर रन करूँगा तो देखो अननोन डेटाबेस टीएसटी, मतलब कि डेटाबेस का नाम भी सही होना चाहिए और वो होना भी चाहिए, तभी आप कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे डेटाबेस था तो हम कनेक्ट हो गए, ठीक है। एज एनीबडी एनी डाउट फ्रेंड्स इन दिस सिंपल एग्जांपल इन बस व्हिच वी हैव जस्ट लोडेड द ड्राइवर्स एंड वी हैव जस्ट कनेक्ट टू द डेटाबेस। आगे कुछ नहीं किया है, अभी हम करेंगे आगे, अभी तक कुछ किया नहीं हम करेंगे। तो फ्रेंड्स लेट अस डू वन थिंग, लेट अस कनेक्ट क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। लेट्स गो टू दी लोकल होस्ट, सॉरी द सर्विस इज नॉट स्टार्टेड, दैट्स व्हाई। ओके लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड देन वी विल क्रिएट अ टेबल, पीएचपी एडमिन यहाँ पे हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, पीएचपी माई एडमिन डेटाबेसेस, और यू कैन गो टू द न्यू, हियर वी विल गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस NJSMTI क्रिएट डेटाबेस क्रिएटेड। सी यहाँ पे टेस्ट नाम का डेटाबेस ऑलरेडी है जिससे हमने अभी कनेक्टिविटी की थी। अब NJSMTI डेटाबेस हमने बनाया, इस पर क्लिक करूंगा, उसमें कोई टेबल है नहीं तो मैं एक नया टेबल यहाँ पे बनाऊंगा, प्लेयर्स, उसमें चार कॉलम है। ओके तो यहाँ पे पहले कॉलम का नाम जैसा कल हमने दिया था, प्लेयर आईडी ऑफ इंटीजर टाइप, उसकी लेंथ 3, प्लेयर नेम वो टेक्स्ट टाइप का रखेंगे वेर केयर, उसकी लेंथ हम रखते हैं 30, फिर प्लेयर टीम वो भी टेक्स्ट टाइप का, की लेंथ रखेंगे 20, एंड प्लेयर मैचेस पी मैचेस वो इंटीजर टाइप का और उसकी लेंथ रखेंगे 3, ठीक है। जस्ट हमने एक टेबल बनाया, अब उसको सेव करेंगे तो ये टेबल बन जाएगा। देखो ये इस तरह का टेबल बन गया, ब्राउज करेंगे तो उसमें अभी कोई रिकॉर्ड्स है नहीं, ओके तो वो एम्प्टी आ रहा है। अभी हमें उसमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम नाम देंगे, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर, प्लेयर नेम, प्लेयर टीम, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे मुझे वेर कर देना है, वेर कर एंड सेव। लेंथ, अच्छा लेंथ 20, ठीक है अब इंसर्ट करना है तो यहाँ पे प्लेयर आईडी 101 सचिन, टीम इंडिया, मैचेस 369, देन प्लेयर 2 102 राहुल द्राविड, टीम अगेन इंडिया एंड मैचेस 236। ओके लेट्स इंसर्ट बोथ दिस रिकॉर्ड, क्लिक ऑन दी गो एंड द टू रिकॉर्ड्स विल बी इंसर्टेड, यू कैन सी टू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस बन गया तो अब यहाँ पे जो डेटाबेस हमने कनेक्ट हुए थे वहाँ पे हम नाम क्या लिखेंगे, NJSMTI, क्योंकि NJSMTI डेटाबेस हमने अभी बनाया है। और जो अपना कल वाला प्रोग्राम है, मतलब कि एक्सेस से जो कनेक्टिविटी हमने की थी, बाकी के स्टेप्स वहीं से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, स्टेप 4 से लेकर। क्योंकि तो मैंने बताया था JDBC आपको ये सुविधा देता है कि एक ही तरह का कोड आप यूज कर सकते हो किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके, आगे काम करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए।
केवल इसी लाइन में चेंज आएगा, कौन सी लाइन में, यहाँ पे जो यूआरएल डिफाइन किया है ना हमने उसमें। बाकी के स्टेप्स जो है, क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्वेरी द डेटाबेस, देन प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम एटसेट्रा, वॉट एवर, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। एक बार देख ले कि हमने कहीं पे नाम चेंज तो नहीं किए, नहीं चलो बराबर है। देखो फ्रेंड्स, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना, क्योंकि तीन चार बार मतलब चालू बंद हुआ है, तो शायद आपको बीच में कंफ्यूजन हुआ हो। वीडियो बेशक शेयर करूंगा आपसे, जावा सी डीपी डेमो क्लास 2.java। अच्छा, ये कंपाइल हो गया, अच्छी बात है। अब इसको रन करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। मैंने लगता है इसको सेव नहीं किया, डीबी डेमो क्लास 2.java को आउटपुट तो किया है हमने। हाँ देखो, ये अपने रिकॉर्ड्स आए अभी माई एसक्यूएल डेटाबेस से, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमने कनेक्टिविटी की माई एसक्यूएल डेटाबेस से। ये कल हमने एक्सेस, मतलब कि पिछले सेशन में हमने एक्सेस से कनेक्टिविटी की थी, एक्सेस डेटाबेस से, उसके भी रिकॉर्ड्स हमने इसी तरह से शो करवाए थे। आज हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस के रिकॉर्ड्स शो करवाए टेबल से। अब जैसे हमने रिकॉर्ड्स को शो करवाया, मतलब कि फेच करवाया, तो हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अपनी जो क्वेरी है वो हमने इस तरह से लिखी। ठीक है, आगे जाके मतलब कि हम दूसरे क्रूड ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, मतलब कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन अपडेट, डिलीट एटसेट्रा, वो सभी के लिए अलग अलग मेथड से कनेक्शन की जो हमने डिस्कस की थी, एग्जीक्यूट, अपडेट, ऐसी मेथड्स है जिसके जरिए हम अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम वो आगे जाके हम नेक्स्ट सेशंस में वो देखेंगे। लेकिन हमने जो अभी दो चीज़ की है, मतलब कि पहला अपना प्रोग्राम जिसमें हमने ये 7 steps परफॉर्म किए और एक्सेस के टेबल से डेटा फेच किया, रिकॉर्ड फेच किए, ओके। और ये नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी की और उसमें डेटाबेस के टेबल से रिकॉर्ड्स फेच करवाए, ये दोनों ही हमने चीज़ की, दोनों ही एग्जांपल्स हमने परफॉर्म किए अपनी स्टैंडर्ड जावा एप्लीकेशन से। अब यही चीज़ हमें सर्वलेट में करनी है फ्रेंड्स, यही चीज़ हमें सर्वलेट में करनी है। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे।